आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हैबिट ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पे FII/DII एक्टिविटी के बारे में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है दोस्तों। उसमें दो से तीन कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट दोस्तों पिछले 3 दिन से बंद चल रहा है, तो मार्केट पे ज़्यादा हैवी जो है इफेक्ट पड़ सकता है मंडे के दिन। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मेरा कहना यह है दोस्तों, क्योंकि ऐसे समय मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब आपको कुछ ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि मार्केट 3 दिन में अपनी मेंटेलिटी बदल चुका होगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों की मीन्स रिटेलर्स की मेंटेलिटी वैसे ही होगी जैसे मार्केट करते आ रहे थे, वैसे ही मार्केट चलेगा, ठीक है दोस्तों। मार्केट ऐसे झटका देता है, एक बार मेंटेलिटी बनवाता है रिटेलर्स की कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे में बन रहा है पैसा वैसे में बन रहा है पैसा वैसे में, और रिटेलर्स वही दिमाग में रखा रहता है और मार्केट एकदम से ऊपर या नीचे करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट हमेशा चीटिंग करता है, इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों, जरूर चीट करेगा मार्केट, कल जरूर चीट करेगा। इसीलिए कल मार्केट जब खुल जाए तो आधा पौन घंटा मार्केट को ध्यान से देखना जरूर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं FII/DII डेटा के बारे में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, ये डेटा 25 तारीख को आ गया था, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये 25 को आ गया था, 26, 27, 28 ये छुट्टी रही, अब ये काम करेगा 29 जनवरी यानी कि मंडे को कल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी दोस्तों चिंता की बात बनी हुई है, यहाँ पे FII कैश मार्केट में सेलिंग ही करते जा रहे हैं आप देखिए, और गुरुवार के दिन तो इन लोगों ने भारी सेलिंग करी है, हर एक चीज़ में सेलिंग करी है, हर एक चीज़ में जो है ज़्यादा सेलिंग करी है, परचेसिंग नाम मात्र ही करी है। यहाँ पे DII भले ही लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप 3474 करोड़ की खरीदारी कर ली है। तो दोस्तों ये जो सेलिंग FII कर रहे हैं दोस्तों, ये एग्रेसिव सेलिंग मेरी समझ से बाहर है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम पे ये इतनी ज़्यादा सेलिंग करते नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है दोस्तों मेरे को लग रहा है, इसलिए बच के दोस्तों मार्केट से, ठीक है दोस्तों। मार्केट पैसा खाने के मूड में है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कल ही खा के चला जाए। मंडे का दिन और दोस्तों फ्राइडे का दिन बहुत ही बेकार अनुभव रहा है मेरा, अभी तक 4 साल के अंदर मंडे और फ्राइडे बहुत ज़्यादा खराब अनुभव रहा है मेरा, ठीक है दोस्तों। तो मंडे और फ्राइडे को थोड़ा सा आप ध्यान से ट्रेडिंग किया करें दोस्तों, क्योंकि मंडे या फ्राइडे को दोस्तों मेरे जो लॉसेस हुए हैं ना रोंगटे खड़े करने वाले हैं दोस्तों, मेरे जो पास्ट में जो लॉसेस हुए हैं ना दोस्तों वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी बड़े बड़े लॉस लिया है मैंने मंडे या फिर फ्राइडे के दिन, तो मुझे मंडे फ्राइडे दिन मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा फियर में काम करता हूँ उस समय, ठीक है दोस्तों। और मार्केट वैसे भी अभी फियर में है, मार्केट में एक ही न्यूज़ है अभी यहाँ पे पॉजिटिव के HDFC बैंक में LIC ने 90.99% स्टेक खरीदने की बात करी है, ठीक है दोस्तों, और जिसको SEBI ने अप्रूव भी कर दिया है, ठीक है, यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है दोस्तों, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट जब पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता है तो क्या मालूम दोस्तों क्रैश भी कर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सब सारी सिचुएशन से कंडीशन से आपको अवगत करा रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा बच के रहें कल मंडे के दिन। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया विक्स के बारे में, ये लगातार 2 दिन उस दिन भी बुधवार के दिन भी आप देखिए 3.2 माइनस में था, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए गुरुवार को भी 3.6 माइनस में है, ये अपने लिए पॉजिटिव ही है दोस्तों, ठीक है। मार्केट ऊपर जाए और मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है ना दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हो सकता है वो चीटिंग करने के लिए ही दिया हो ब्रेकआउट, ठीक है दोस्तों। मार्केट को आप दोस्तों समझें, मार्केट ही सुप्रीम है, ठीक है दोस्तों, मार्केट से बढ़ के कोई नहीं है, हम आप कोई भी नहीं दोस्तों। मार्केट ऐसा बुरा दोस्तों धोबी पछाड़ मारता है ना लोगों को, कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है दोस्तों, पैसे अपने दे के आ जाते हैं और ऊपर से ये भी बोलते हैं चलो चला गया तो चला गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के लोग वो लोग गैम्बलर होते हैं दोस्तों, वो ट्रेडर नहीं होते हैं जो कहते हैं चलो चला गया, ठीक है दोस्तों। दुख जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रोबोट हैं, आपको लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दिक्कत होनी चाहिए, आप इंसान है ना, इंसान की तरह दिक्कत होनी चाहिए, तभी आप उसको रिकवर करेंगे दोस्तों, वरना आप ऐसे तो गंवाते जाएंगे पैसा, मार्केट खाता जाएगा, मार्केट का पेट बहुत बड़ा है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और बहुत ही तरीके से मैं आज आपको दिखाऊंगा, कुछ उसमें नई चीज़ें भी दिखाऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है बिल्कुल भी ज्ञान न होने से, ठीक है दोस्तों। या तो आप बिल्कुल मत देखो, यदि वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो आप पूरा देखो उसको, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं 15 मिनट में ही करवाता हूँ एनालिसिस, और मैं अभी दोस्तों आपसे पहली सिचुएशन के बारे में बात करूँगा, पहली सिचुएशन जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है दोस्तों। मेरा पहला व्यू क्या है मार्केट में दोस्तों, गुरुवार के दिन मार्केट ने यहाँ तक रिकवरी दिखाई थी, ठीक है दोस्तों, इस लेवल तक रिकवरी दिखाई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मार्केट अब क्या कर सकता है, यदि इसी रेंज में खुलता है मार्केट, इसी रेंज में मीन्स ये वाली रेंज में खुलता है मार्केट, तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मार्केट कर क्या सकता है, या तो मार्केट दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए और फिर
यहाँ तक तो जाना चाहिए, मीन्स 45,500 के लेवल तक तो जाना चाहिए। यदि यहाँ तक आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से ऊपर उसको जाना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों, फिर यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, फिर से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मार्केट एक दो कैंडल इसी रेंज में खुलता है, तो यहाँ से एक दो कैंडल करके और इस तरीके से जो है ऊपर जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ से आप ये वाली कैंडल को दिमाग में रखना जरूर दोस्तों, ये कैंडल जो बनी हुई है ना दोस्तों, एकदम से क्रैश वाली या एकदम से रिकवरी वाली कैंडल है, ठीक है दोस्तों। तो इन पे आप नज़र जरूर रखिए, क्योंकि इसी लेवल से नीचे आई हैं ये। ऐसा ना हो यहाँ पे मार्केट पहुँचे और सीधा धड़ाधड़ 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 इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे, समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक ये सीन हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसी सीन से मिलता जुलता हुआ भी एक सीन और है दोस्तों, मार्केट यहाँ मार्केट आए यहाँ पे रिटेस्ट लेके, यहाँ आए रिटेस्ट लेके यहीं से मुड़ जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये भी हो सकता है इस तरीके की, ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं एक ट्रेंड लाइन बना लूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो मार्केट कर सकता है, मीन्स यहाँ से मार्केट गिरे और यहीं से पलट के ऊपर निकल जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हल्का सा गिरे और यहीं से पलट के निकल जाए, यहाँ पे आए ही ना मार्केट, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ के बाद दोस्तों यदि ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको लेवल भी शेयर करे हुए हैं, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कितने लेवल्स हैं, यदि इस लाइन के ऊपर मार्केट जाता है तो फिर 46,000 जाना पक्का है उसका, ठीक है दोस्तों। यदि इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, और मेरे को नहीं लगता है कि कल के सेशन में इस लेवल को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं कीचड़ कीचड़ करता रहेगा मार्केट। बाकी दोस्तों ये मेरे पहली सिचुएशन थी, मैंने आपको जो बता दी, सीधा सीधा एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको जो है तरीके से समझ में आ जाए। मार्केट ओपन हुआ इस कंडीशन में और यहाँ तक आए, यहाँ पे कोई हल्का सा ऐसा डब्लू पैटर्न बनाए और यहाँ तक जाए, इस प्रकार का डब्लू दोस्तों दिख रहा है आपको, ऐसा बनाए। और फिर यहाँ से दोस्तों मेरे को गिरने की ज़्यादा विश्वास है कि टाइप से एक दो कैंडल्स में पूरा मार्केट न गिर जाए, फिर अगले दिन यहाँ गैप अप खुल के फिर रिकवरी करे, समझ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ आपको, शायद कुछ समझ में आ जाए। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से आए, हल्का सा यहाँ पे डब्ल्यू बना के यहाँ तक की रिकवरी दिखाए, और यहाँ से फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स में गिर जाए लास्ट में मार्केट, और यहाँ पे क्लोज हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगले दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके और ऊपर की ओर निकल जाए। मार्केट ऐसे ही करता है दोस्तों, आप देखिए स्ट्रक्चर, आपको यदि सही लग रहा हो तो आप देखिए। तो मेरा व्यू दोस्तों यही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक दूसरा व्यू देख लेते हैं, दूसरा व्यू मेरे तरफ से दोस्तों ये हो सकता है, मार्केट ने इतना रिकवरी जो किया है ना दोस्तों, ये रिकवरी यहाँ पे खुल के दोस्तों ये रिकवरी पूरी ख़त्म कर देगा ये, ठीक है दोस्तों। कैसे, जैसे दो कैंडल ये बनी है 15 मिनट की, ऐसे दो कैंडल 15 मिनट की यहाँ पे बन के पूरी रिकवरी को ख़त्म करे, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुके, फिर इसके बाद जो है ऊपर निकले, ठीक है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद यदि दोस्तों नीचे निकल गया ना, इस लाइन के नीचे निकल गया ना, तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई हो चुका है। किस तरीके से, मैं आपको दोस्तों ट्रेंड लाइन बनी थी ना ऊपर से, वो यहीं से आ रही है कहीं से, और अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये हो सकता है फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब अगली कंडीशन देख लेते हैं, मार्केट क्या करे, गैप अप हो जाए और सीधा गैप अप होकर यहाँ से धड़ाम से गिर जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धड़ाम से यहाँ पर गिर जाए, फिर रिकवरी कर करके एक बड़ा कैंडल बना दे, फिर रिकवरी धीरे धीरे ऐसे इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मार्केट भी कर सकता है यदि गैप अप ओपन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गैप अप ऊपर हो जाता है तब की बात है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों, गिरने वाली, मीन्स क्रैश वाली, वो भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी कंडीशन है दोस्तों गिरने वाली, और वो गिरेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं ट्रेंड लाइन डाल लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी आपको, जब मार्केट गिरेगा किस लेवल से कहाँ तक जा रहा है। तो पहला अपन दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल लेते हैं इसको, और फिर इसको दोस्तों क्या करते हैं, इसको क्लोन कर लेते हैं एक और, इसको पकड़ के एक रेंज बना लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये वाली रेंज बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ये रेंज बन चुकी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये रेंज बन चुकी है। मार्केट को गिरना है ना दोस्तों, तो मार्केट फिर गिरते गिरते आएगा, अपनी रेंज को फॉलो करेगा, ये लाइन जहाँ तक गई है वहाँ सपोर्ट लेगा, फिर इस ऊपर आएगा, इस प्रकार रेंज से चला जाएगा दोस्तों, इस प्रकार मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्रैश होने की है दोस्तों। तो मैंने आपको 3 से 4 तरीके बता दिए दोस्तों, इन 4 तरीकों में से मार्केट कोई ना कोई फॉलो जरूर करेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों ट्रेड आप सुबह बड़े सोच समझ के लें, और थोड़ा सा टाइम निकाल के लें, थोड़ा सा मार्केट को देख लें आप कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, क्या फाइनल कर रहा है मार्केट, अपने आप को कहाँ ले जाना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप उस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना के देखा करें दोस्तों, ट्रेंड लाइन भी डाल ली अगर आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट को ट्रैक करना है दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों। कैसे ट्रैक करना है आप धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।